डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया यानी एक्जेमा वो कंडीशन है जिससे मरीज बहुत परेशान रहता है, ख़ास तौर से या 5 से 15 साल उम्र के बच्चों में होता है और माता पिता को ना चाहते हुए भी उनको स्टेराइड्स देने पड़ते हैं क्योंकि वह उनकी तकलीफ़ नहीं देख सकते। और हम सब जानते हैं लॉन्ग टर्म ऑफ यूज़ ऑफ स्टेराइड्स हार्मफुल हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ होम्योपैथिक दवाएँ जो आपको डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एटॉपिक डर्मेटाइटिस के विषय में, वो कंडीशन जो बच्चों में खासतौर से 5 से 15 साल के बच्चों को बहुत तकलीफ पहुंचाती है, उनकी स्किन को इन्फ्लेम कर देती है, उसमें बहुत खुजली होती है और मरीज को हार्मफुल स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो आपके इस कंडीशन में आपको रिलीफ देंगी और हार्मफुल स्टेरॉइड्स के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल को करने से बचाएंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस साथियों आप मरीज के स्किन की वह कंडीशन होती है जिसमें स्किन में रैशेज आ जाते हैं, स्किन लाल हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। यह जो स्थिति होती है यही एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहलाती है। सिम्टम की बात कर लेते हैं साथियों, स्किन का लाल होना, स्किन पे रैशेज आना, स्किन पे खुजली होना, ख़ास तौर से रात में अत्यधिक खुजली होना, जलन होना और जहाँ पे आप स्किन को स्क्रैच कर देते हैं वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होना स्किन में, यह इसके सिम्टम्स होते हैं। कॉजेस की बात कर लेते हैं साथियों एटॉपिक डर्मेटाइटिस के। एटॉपिक डर्मेटाइटिस के कारण होता है कि जब आपकी स्किन नॉर्मली हेल्दी जो स्किन होती है वह एक मॉइस्चर सिक्रीट करती है जो कि आपको हार्मफुल बैक्टीरिया और एलर्जन से बचाता है, लेकिन कभी कभी साथियों जीन वेरिएशन हो जाता है बॉडी में और जब यह जीन वेरिएशन होता है तो आपकी स्किन उन एलर्जेंस को जो कि आप इस एनवायरनमेंट में होते हैं उससे आपके शरीर यानी स्किन के रिएक्शन को बचा नहीं पाती है। यही कंडीशन, यही कारण होता है और यही कंडीशन होती है एटॉपिक डर्मेटाइटिस की। लेकिन समस्या है तो समाधान है साथियों, हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस को ठीक करेंगी, आपको स्वस्थ करेंगी और लॉन्ग टर्म दवा कंटिन्यू होने से आपको बचाएंगी। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन निवेदन है कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पर जिसपे आपको बताते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया में या एक्जेमा में कि मरीज जहाँ पे उसको खुजली मचती है और वह स्क्रैच करता है वहाँ पे लाल लाल लाइनें पड़ जाती हैं या रेड रैशेज पड़ जाते हैं जिसको कि डर्मोग्राफिक एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अर्टिका यूरेंस। आप अर्टिका यूरेंस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एटॉपिक डर्मेटाइटिस को भी ठीक करेगी, एक्जेमा को भी ठीक करेगी, इचिंग को भी कम करेगी और आपको स्वस्थ करेगी। एक स्थिति आती है साथियों जो एक कॉमन स्थिति है कि किसी मरीज की स्किन ड्राई हो जाए, अगर स्किन में रूखापन आ जाए, स्किन सूखापन आ जाए और उनके एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो और स्किन स्केली हो जाए तो उस स्थिति में होम्योपैथी में चीफ रेमेडी है स्किन को डिटॉक्स करने की और एटॉपिक डर्मेटाइटिस को ठीक करने की और वह है सल्फर। आप मरीज को सल्फर 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं यदि उनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो, स्किन ड्राई हो, स्किन स्केली हो और स्किन में इचिंग बहुत होती हो, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। सल्फर का मरीज को साथियों मीठी चीज़ें खाना पसंद होता है, थोड़ा सा लेजी होते हैं यानी उन्हें खड़े रहने को भी कह दो तो एक जगह ठीक से खड़े नहीं रह पाते, उन्हें कोई बैठने के लिए सहारा चाहिए, नहाना उन्हें पसंद नहीं होता है और जैसे चादर ओढ़ के जो लेटते हैं तो इचिंग बढ़ती है, यह तकलीफें हो तो सल्फर ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस एटॉपिक डर्मेटाइटिस के केस में हो सकती है।
एक स्थिति आती है साथियों डर्मोग्रैफिक के केस में कि मरीज की स्किन बिल्कुल लाल सुर्ख हो रही हो और उसके इचिंग हो रही हो और रात में ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपको ठीक करेगी और जो आपकी स्किन की जलन और लाली है उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जेमा में कि आपके इचिंग और रैशेस वहाँ पे हो रहे हों जहाँ पे स्किन के फोल्ड्स हों, जहाँ पे स्किन मुड़ी हो, जैसे आपके एक्जिला यानी बगल में हो गया, थाइस पोर्शन में हो गया, जहाँ पे आपके पैर फोल्ड होते हैं उन फोल्ड्स ऑफ स्किन पे हो गया। तो अगर वहाँ पे एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो या एक्जेमा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं। अगर मरीज ले सकता है जब मरीज को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो, मरीज फेयर एंड फ्लैबी हो और उनके जो इरप्शंस होते हों वह फोर्स ऑफ स्किन में होते हों जिनसे पस्टुलर डिस्चार्ज भी होता हो, अगर यह सिम्टम हो साथियों तो ऐसे मरीजों के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस ग्रेफाइटिस। एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी स्किन में रॉनेस और सोरनेस हो, यानी बहुत रूखापन और एक सूखापन हो, दो अलग बातें हैं। रूखापन रफनेस हो और ड्राइनेस हो, अगर यह स्थिति हो साथी हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया और एक्जेमा के केस में कॉस्टिकम हेनिमनाई। आप कॉस्टिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं, इस दवा से लाभ होगा। कॉस्टिकम के मरीज को एक दूसरों की सिंपथी दूसरों के लिए बहुत होती है, दूसरों के लिए बहुत दिल में जगह जिसे कहते हैं होती है, तो अगर यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति की दवा कॉस्टिकम है। एक स्थिति आती है साथियों कि पानी से मरीज को एग्रवेशन होता है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता हो तो उनको स्किन में एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जेमा का एग्रवेशन होता हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इस स्थिति को ठीक करने की रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस टॉक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। अगर आपको वाटर एग्रावेशन हो, पानी से आपके एग्रावेट होता हो इस तरह का एक्जेमा और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो तो ऐसी स्थिति में रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन बहुत अच्छी दवा है आपके एक्जेमा को ठीक करने की, एटॉपिक डर्मेटाइटिस को ठीक करने की। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को एटॉपिक डर्मेटाइटिस में कि उनके स्किन में बरैया ऐसे चकत्ते पड़े, जैसे बरैया काटती है, हनी भी काटती है, वैसे जो है स्कैब्स आ गए हों, तो अगर यह स्थिति हो कि गर्मी या सर्दी के ज़्यादा कांटेक्ट में, हीट या कोल्ड के ज़्यादा कांटेक्ट में स्किन में रेड रैशेज आ जाते हों तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप एटॉपिक डर्मेटाइटिस के केस में दे सकते हैं। ऐसे मरीज को जिसको प्यास ना लगती हो, जिसको हनी बी के काटने ऐसे स्केल्स आ गए हों या जो अपनी स्किन को स्क्रैच करते हों तो वहाँ पे इरप्शंस आ जाते हों, ऐसी स्थिति में एपिस मेल आपको लाभ देगी और आपके डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया और एक्जेमा को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज के स्कैल्प यानी सर पे एटॉपिक डर्मेटाइटिस है एक्जेमा हो और उससे इचिंग होती हो, खुजली होती और मवाद आता हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो एक्जेमा की तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मिजेरियम। आप मिजेरियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एक्जेमा को भी ठीक करेगी और जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं आपकी स्कैल्प में स्किन से उनको भी ख़त्म करेगी और एक्जेमा को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज को एक्जेमा हो, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो, उनकी स्किन में ब्लीडिंग हो रही हो, वहाँ से जहाँ पे इरप्शंस हो वहाँ ब्लीडिंग हो रही हो, अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है लाइकोपोडियम क्लवेटम और दूसरी दवा है पेट्रोलियम रेक्टिफरेंस। लाइकोपोडियम क्लवेटम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में आप मरीज को दे सकते हैं, मरीज ले सकता है जिसमें कि थिक स्किन हो, उसमें क्रैक्स आ गए हों, उससे ब्लीडिंग हो रही हो और मरीज को गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहते हों यानी पेट में भारीपन और गैस रहती हो, अगर यह स्थिति हो तो ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस लाइकोपोडियम क्लवेटम है। आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दे सकते हैं और यदि मरीज के साथियों
बल्कि यूँ कहूँ कि पेट्रोलियम प्रेक्टिफरेंस सबसे अच्छी दवा उस केस में है एक्जेमा के एटॉपिक डर्मेटाइटिस के, जब आपके स्किन में क्रैक्स हों, उनसे पानी ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हों, वाटरी डिस्चार्ज आ रहा हो, और विंटर्स में यह तकलीफ बढ़ती हो, अगर यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस पेट्रोलियम है। एक स्थिति आती है साथियों, एटॉपिक डर्मेटाइटिस है एक्जेमा आपके स्कैल्प की हेयर लाइनिंग की तरफ हो, यानी जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ पर आपके एक्जेमा हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम म्यूराटिकम। आप नेट्रम म्यूर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपके हेयर लाइन पे एक्जेमा या एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो, मरीज को नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद हो और मरीज शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ऐसी स्थिति में नेट्रम म्यूर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को एक्जेमा हो, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो और उनको डिस्चार्जेज उससे आते हों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं 3। पहली दवा है ग्रेफाइटिस, दूसरी दवा है मिजेरियम और तीसरी दवा है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बहुत कारगर है कि अगर आपके इरप्शंस हो रहे हैं और उसे स्टिकी यानी चिपचिपे डिस्चार्ज आ रहे हैं, अगर स्टिकी डिस्चार्ज आ रहा है एक्जेमा के केस में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे बेहतर दवा ग्रेफाइटिस है। दूसरी स्थिति आती है कि मरीज को डिस्चार्जेस हो रहे हों जो पस्टुलर हों, जिनसे पस ऐसा फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा मिजेरियम है। आप मिजेरियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह दवा ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी। और तीसरी स्थिति है साथियों रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन की, जिसमें आपको पानी ऐसा डिस्चार्ज आ रहा हो, वाटरी डिस्चार्ज हो आ रहा हो, तो यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी और मरीज के एक्जेमा को ठीक करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी एटॉपिक डर्मेटाइटिस की, एक्जेमा की दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा, अन्य साथियों को प्रेरित करिएगा चैनल से जुड़ने के लिए, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।